तो गाइस आज देखेंगे मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च कंप्राइजेस ऑफ क्रिएटिव वर्क अंडरटेकन ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ ह्यूमंस एंड कल्चर एंड सोसाइटी एंड द यूज ऑफ दिस स्टॉक ऑफ नॉलेज ऑफ ह्यूमंस न्यू एप्लीकेशन इट इज़ यूज टू एस्टैब्लिश और कन्फर्म फैक्टरी अफॉर्म द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस वर्क सॉल्व न्यू और एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम सपोर्ट न्यू थ्योरीज। तो रिसर्च का मतलब है किसी चीज़ पे बार बार सर्च करना, छानबीन करना। तो रिसर्च का मतलब है किसी चीज़ पे बार बार खोज करना, बार बार उसे और बेहतर बनाना, उस पर रिसर्च करना। तो डेफिनेशन बाय गॉडविन कॉलीबो के द्वारा है, इन द ब्रॉडेस्ट सेंस ऑफ द वर्ड द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च इंक्लूड्स एनी गैदरिंग ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। गैदरिंग करना डेटा इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स का ताकि जो एडवांसमेंट हो सके नॉलेज की और नॉलेज गेन हो सके। तो ये गॉडविन कॉलीबो की डेफिनेशन है। सेकंड देख लेंगे मरियम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी की। डिफाइंस रिसर्च इन मोर कॉम्प्लिकेटेड वे, स्टूडियस इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन एक्सपेरिमेंटेशन एम्ड एट द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स द रिविजन और एक्सेप्टेड थ्योरीज और लॉज इन लाइट ऑफ न्यू फैक्ट्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सच न्यू और रिवाइज थ्योरीज और लॉज। ठीक है, तो ये और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से है। एक स्टूडियस इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन या एक्सपेरिमेंटेशन करना फैक्ट्स डेटा या किसी भी चीज़ का। तो ये है मरियम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी की डेफिनेशन।